नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और साथ ही जो साइड में बेल आइकन भी आपको दिखाई दे रहा है आप उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपको सभी जानकारी मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के बारे में, जो कि 14 नवंबर को पड़ रही है। मगर कुछ लोगों को अब की बार तिथि में कन्फ्यूज़न है कि ये 14 की है या 13 की है, क्योंकि 13 तारीख को तो धनतेरस है जो कि शाम को 6 बजे तक रहेगी और उसके बाद फिर 14 नवंबर को जो है, क्योंकि 13 नवंबर को जो 6 बजे के बाद शुरू हो जाएगी नरक चतुर्दशी, जो कि अगले दिन 2:18 तक रहेगी यानी 14 तारीख तक, और 14 नवंबर को फिर उसके बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। और अमावस्या जब जो 2:18 पर प्रारंभ होगी 14 तारीख को, तो 15 तारीख को वो सुबह 10:36 तक रहेगी। तो अब की बार लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है तिथि को की गड़बड़ रही है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि 14 नवंबर को छोटी और बड़ी दिवाली एक ही साथ मनाई जाएगी अब की बार। और जो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है वो 14 तारीख को शाम को 5:30 से लेके 8:06 तक रहेगा। ये गृहस्थी वालों के लिए लक्ष्मी पूजन है। और सबसे शुभ मुहूर्त जो है प्रदोष काल का, वो शाम को 5:27 से 8:06 तक का प्रदोष काल रहेगा। वर्षभ काल जो है 5:30 से 7:25 तक रहेगा। और लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है 5:30 से शाम को 7:25 से रहेगा। तो प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही उत्तम कहा गया है, यह वृषभ काल में करें प्रदोष काल में। लेकिन प्रदोष काल जो है, मैंने जैसा आपको बताया अभी, 5:27 से 8:06 तक ये लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त है, इसी दौरान आपको पूजन करना है। दीपावली का पर्व जो है हर साल अमावस्या तिथि पर आता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन का बहुत ही विधान है। माता लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी जी के पूजन करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि दीपावली मनाने के पीछे कहते हैं कि इस दिन जो है भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके अयोध्या से वापस आए थे, तो उनकी आने की खुशी में ही ये दीप जलाए जाते हैं। तो इस दिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से पूजा करता है उसे सभी तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन आपको माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना है, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और ख़ासकर जैसे मैंने बताया कि प्रदोष काल के साथ साथ वृषभ काल, तो देखिए शुभ मुहूर्त की गई पूजा का फल जो है कई गुना मिलता है, तो इसलिए तंत्र पूजा के लिए भी दीपावली का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि अब की बार दीपावली जो है शनिवार के दिन पड़ रही है, तो ये अपने आप में शुभ संयोग है। और शनि अब की बार अपनी मकर राशि में ही स्थित है, तो व्यापार के लिए ये बहुत शुभ कहा जाएगा। इससे व्यापारी के लिए सुख समृद्धि की बढ़ेगी और साथ ही साथ व्यापार में भी उन्हें लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। और शनि अपनी मकर राशि में तो रहेंगे, साथ ही साथ गुरु बृहस्पति भी धनुराशि में चल रहे हैं, तो अब की बार दीपावली का पर्व काफ़ी अच्छा रहेगा और व्यापार के लिए तो बहुत ही उत्तम कहा जाएगा, क्योंकि शनि के मकर राशि में रहने से व्यापार के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की जैसा योग बना हुआ है। और शनिवार को पंडाल दिवाली इसलिए खास है क्योंकि शनि का अपनी राशि में होना बहुत ही शुभ माना जा रहा है, तो इसलिए इस बार आप किसी प्रकार की कोई चूक ना करें। पूजा करते समय पूरा ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा आपको भी कि तंत्र पूजा के लिए भी बहुत उत्तम है, और मंत्र साधना ये सब आदि कार्य जो भी है आप इस दिन करें। तिथि के बारे में आपने जान लिया है, तो ये जो तिथि है, और कोई कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आप कमेंट में ये लिख देना। तो आज आप लोगों ने जाना दीपावली के बारे में, और वीडियो हमारी आगे भी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इसको देख लें। यदि कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो दिए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।